निर्माण किए ये बताइए जो है शौचालय का निर्माण कितना करा दिए बाहर भाई साहब? पहले सब लोग लोटा लेकर बाहर जाते थे, अभी घर 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 शौचालय बना दे, उस पर क्या कहना है? हमारे गाँव में जो बना है उसमें जो है तो कंडा रखे जाते हैं और सबको मिला ही नहीं। यानी कि जो लाभान्वित थे उनको भी नहीं दिया गया है। और ये जो है मोदी योगी सरकार से भाई साहब लोग बहुत ही परेशान है इस बार। इधर पलरा जो है सपा सरकार का भारी लगता है यहाँ पर। चाचा क्या नाम हुआ? मेरा नाम है अमूरत यादव। अच्छा बताइए किसकी? यादव जी हैं तो यादव जी बताइए किसकी सरकार? आप तो सपा सरकार देखना चाहते हो कि भाजपा का पेवर सफाया हो जाए। इसकी सरकार में जब से आई है सालों से दुर्घटना मेरे आंखों के सामने होता रहता है। तो ये साढ़ तो आदमी हम ही लोग छोड़ते हैं ना साढ़, ये सरकार थोड़ी ना छोड़ती है। इनको वही घाट बना है जो कट गए हैं, साढ़ है उनका क्या करेंगे? तो गौशाला जब ट्रैक्टर चल गए हैं तो इनको कौन जोतेगा? तो गौशाला कई जगह गौशाला बनाया है तो जो गौशाला बनवाए हैं तो गौशाले में पैक कराए उसमें रखे मर जाए साड़न से नहीं बेचारे लड़ीला मरद गिरत है तो उठा के लोग खड़ा कर दे यहाँ पे दुकान करें। एक बीघे में गेहूँ कितना हो जाएगा? और चर गया तार बांधो फिर भी चर जाता है। लेकिन यहाँ पर जितने लोगों से हमने बात की भाई साहब सभी लोग जो है सपा के समर्थक हैं। और इसी तरह आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपका जो है इसी प्रकार की खबरों से आपको रूबरू कराने वाले हैं। दीनगर चौराहे से मैं दीपक सिंह जेएनआई के लिए जय हिंद। योगी जी का काम अच्छा नहीं लगा क्या? योगी जी का काम क्या अच्छा है? कुछ नहीं अच्छा है। अरे काहे फ्री राशन दे रहे हैं, फ्री सिलेंडर का ही जोड़ के हम तो होटल का नहीं देखते हैं कि रोज दो चार कितने कदे हैदर सर मरते हैं। अच्छा अच्छा नहीं तो आपको गौ माता कहते हैं लेकिन उनको सर नहीं आती गौ माता का तो रोज। नमस्कार आप देख रहे हैं जेएनआई न्यूज, मैं हूं आपके साथ दीपक सिंह वर्मा। अभी मैं बादीनगर चौराहे पर मौजूद हूं जो कि बाराबंकी के अंतर्गत आता है। यहां पर कुछ चचा लोग हमारे साथ में हैं जिनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। भाई साहब चुनाव का माहौल बहुत ही गर्मा गर्म है तो चचा लोगों की क्या राय है? ये लोग आपस में बातें कर रहे थे तभी हम चाय पीने यहाँ पर आए तो चचा लोगों की बातें सुनकर थोड़ा सा इनसे पूछने का मन हुआ। भाई साहब कमरेमैन कैमरा सीधा कर लो थोड़ा और चलिए आपको दिखाते हैं कि चचा जी से कुछ बात करने का प्रयास करते हैं और इनकी मन की बात जानते हैं कि अब की बार किसकी सरकार। चचा लोग से हम जानते हैं भाई साहब चचा के लोग किसका समर्थन कर रहे हैं इस बार। तो आइए हमारे साथ में, चलो माहौल काफ़ी गर्मा गर्म है और क्या बोलते हैं बादीनगर चौराहा है भाई साहब। और हमारे साथ में एक चचा है, चचा क्या नाम हुआ आपका? अमर राम नाथ। अच्छा इस बार जो है किसकी सरकार देखना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में? अरे सरकार जिसकी आना हो आएगी। अरे तो आप किसका समर्थन करते हैं? हम आपकी वाली बात आपकी नहीं है। मन की बात ले रहे हैं बस, आपके मन की बात ले रहे हैं कि आप किसका समर्थन कर रहे हैं? अरे समर्थन में अगले सरकार को करेंगे और किसका करेंगे? तो कहे कि ये योगी जी का काम अच्छा नहीं लगा क्या? योगी जी का काम क्या अच्छा है? कुछ नहीं अच्छा अच्छा है। अरे कहे फ्री राशन दे रहे हैं, फ्री सिलेंडर दिए हैं, सबको सब देते हैं और इससे पहले आपको फ्री मिला है और 500 रुपया आने जा रहे हैं, 500 रुपया आने जा रहे हैं, आपका क्या कहना है? हमारा कहना क्या है, योगी सरकार बिल्कुल फेल है, हमारा ऐसा सपा सरकार बनाएंगे। अच्छा तो कौन से काम आपको नहीं अच्छे लगेंगे? कोई काम अच्छा हो आप बताइए। अच्छा एक वो जो हमको अखिलेश की गवर्नमेंट थी जो योजना अखिलेश ने निकाला उसी को योगी जी उद्घाटन कर रहे हैं। अच्छा यानी कि भाई नंबर थे उसको 112 कर दिए। भाई साहब का कहने का मतलब सिर्फ ये सरकार जो है नाम बदल रही है और कार्य कुछ नहीं कर रही है। और अभी मैं पीछे जो है एक किसान से मिला तो भाई उनसे पूछा कि आपके खेतों का हाल क्या है तो किसान हमने हमसे कहा कि साहब पहले हम क्या करते थे, पहले हम हुक्का पीते थे और जो ताड़ होता है वो पीते थे तो हमने कहा इसको शहरी में हम बयां कर देते हैं। बोला पहले हम पीते थे हुक्का, पहले पीते थे ताड़, अब ना पीते हैं हुक्का ना पीते हैं ताड़, कहे कि हम आप फसल न छुड़े हैं बाबा जी के साड़। क्या कहना है इस पर आपका? बताइए परेशान का ही जोड़ के हम तो होटल का नहीं देखते हैं। गौ माता कहते हैं लेकिन उनको सब नहीं आती गौ माता का तो रोज मरते ही। अरे तो गौशाला तो भाई साहब खुलवाई है, व्यवस्था तो सारी करवाए गौशाला। और राशन क्या है? राशन फ्री में देते हैं? फ्री में देते हैं ना? और कितना महंगे आगे बढ़ रहा है सब चीज। अच्छा चाचा का मतलब है महंगाई राशन देते हो लेकिन महंगाई जो किए हैं हम लोगों से फिर से ले रहे हैं। ठीक है।